बच्चा जब रहा है ना, जब आपके साथ उसके सामने कैमरा पकड़ दो, फोन पकड़ दो, वो रोना बंद कर देगा। आज ड्रीम मैंने आजमाया। अभी बच्चा रो रहा था जब मैं कैमरा पकड़ लिया, मतलब फोन को कैमरा में कन्वर्ट कर दिया, डूब हो गया देख के। गाइस वेलकम टू माय चैनल, और आज मैं जाने वाला हूँ क्योंकि सब कुछ, मतलब हमें सबको बुरा नहीं जाना पड़ेगा, और आप लोगों को तो वैसे ही बता दिया कि मैं जाऊँ। सो आज सिर्फ बाइक राइडिंग ही देखने में मिलेगा, तो मिलते हैं गाड़ी में। और मैं कुछ ये सब लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये वीडियो फुल हो जाए, वीडियो क्वालिटी, मतलब जब रोडिंग करूँ, सेल्फी कैमरा जो है वो उससे बेटर है मेरा बैक कैमरा, सो इसलिए क्वालिटी अच्छा होगा, तो 4K क्वालिटी होगा। सो अगर वीडियो मतलब फुल हो जाए स्टोरेज, सो इसके लिए ये पेन ड्राइव ले लिया, और ट्रांसफ़र करने के लिए ले लिया, और अगर वीडियो का हो जाए तो पावर बैंक ले लिया और कॉर्ड। सो अभी चलेंगे, वो मेरे भैया भी आ गए, और सो चलते हैं, हम लोगों से वहीं पे मिलते हैं। और हाँ, मैं ये हुडी पहन के जाऊँगा, बहुत ठंडा है ना, तो इसलिए। अभी एक घर कंप्लीट हो चुका है और अभी जा रहे हैं गाड़ी पे। हम NH पे जाएंगे और जल्दी पहुंच जाएंगे, इस यहीं से NH बहुत पास ही है। सो और आप लोग देख सकते हो अभी भी इस रास्ते पे ढाला ही नहीं हुआ है, और पता नहीं क्योंकि सब हर जगह में हर आप लोग जहां पे जाओ सब देखना कि ढाला ही हो गया है अभी सब जगह, और यहीं पे मतलब कुछ दिक्कत होगा ये पार्टी का। सो नहीं तो ये रास्ता हो जाना चाहिए था। सो अभी बहुत धूल हो रहा है, और आप लोग देख सकते रास्ते की ये जो नज़ारा है ना, इससे आप 15 दिन पहले जब आते सो इसका जगह बहुत ही अच्छा था, मतलब नज़ारा देखने के लायक होता, क्योंकि तब भी जो धान खेत है वो हरा हरा सा था ना, अब ये येलो हो गया है। सो चलते हैं। सो अभी हम जा रहे थे और रास्ता गलत चुन लिया था, सो इसलिए हमें घूम के जाना पड़ रहा है। अरे बहुत दिख, मतलब एक जगह आज शायद नहीं जा पाएंगे, सो देखते हैं क्या होता है। जब आप कहीं पे भी जाते हो ना, तो एक चीज़ देखना कि आप जाते वक्त कितना एक्साइटेड होते हो, और जहाँ पे मंजिल होती है आपकी वहीं पे जाने के बाद इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता। सो लाइफ में ऊपर नीचे तो होती रहती है सब कुछ, ये ज़िंदगी एक सफ़र है, और इस सफ़र का मज़ा लो। रियली जब मैं कुछ करूँगा ना,
तो एक ड्रीम है कि एक बाइक खरीदूँगा और उससे लॉन्ग ड्राइव पे चलूँगा। कहाँ पे जाऊँगा, कितने देर तक जाऊँगा, क्या, ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं होगा तब, सिर्फ जाने की एक्साइटमेंट रहेगा। अभी हम लोग रुक गए हैं और मैं मेरी अभी मौसी घर में जाऊंगा। सो ट्रेन आने तक वेट करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही जा रहे हैं। सो देख के आप लोग जाएंगे तो देख के जाना। सो जब तक ट्रेन नहीं आता तब तक वेट करेंगे। कब जाएगा ट्रेन? तो अभी मैं लौट रहा हूँ और मौसी जी के घर से जा रहा हूँ। अभी नहीं बोल पाऊँगा, मिलते हैं।